नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैकत। आप देख रहे हैं सैकत टॉक। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक वैक्यूम पंप का। तो कौन सा वैक्यूम पंप है, क्या वैक्यूम पंप है, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखिए। अमेजोन से हमने वैक्यूम पंप ऑर्डर किया है, तो देखते हैं इसका बॉक्स के अंदर क्या है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि इनका जो वेट है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा ऑयली ऑयली, वैक्यूम का जो ऑयल था वो शायद निकल गया। ये IREX कंपनी की तरफ से आने वाला एक बहुत ही कमाल का वैक्यूम है। यहाँ पे आपको ऑयल डालने के लिए एक नोजल मिलेगा और इस तरह आपको पाइप लगा के वैक्यूम करना है। एक बहुत ही हेवी वैक्यूम पंप है। यहाँ पे आपको एक 16 एम्पेयर का सॉकेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं कौन कौन कलर में अवेलेबल है। ये बेसिकली ग्रीन, सिल्वर और ब्लैक, यही कलर में ये वैक्यूम पंप आते हैं। इनका जो मॉडल नंबर है ये RX1D है। इनका फ्रीक्वेंसी है 220 वोल्ट 50 GHz फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। ये 180 वाट के है। ये 2.8 CFM को सपोर्ट करता है। CFM का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। आपका वैक्यूम में जितना ज़्यादा CFM होगा वो वैक्यूम किसी भी कंप्रेसर को उतना फास्ट वैक्यूम कर देगा। ये 15 माइक्रोन सपोर्ट करता है, यानी कि माइक्रोन क्या होता है, आप मान लीजिए 1 मीटर को जब 1,000,000 भाग करोगे, वो 1,000,000 भाग करने के बाद जितना होता है वो होता है 1 माइक्रोन। तो ये 15 माइक्रोन सपोर्ट करता है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं जितना कम माइक्रोन का है आपका वैक्यूम वो वैक्यूम उतना अच्छा काम करेगा। 600 ml का आपको ऑयल कैपेसिटी टैंक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देख लेते हैं इनका स्पेसिफिकेशन क्या है, इनका मॉडल कैसा है। इनका जो डिजाइन है काफ़ी अच्छा है। कोई ये डिजाइन आपको मॉन्स्टर वाला फीलिंग्स देगा वैक्यूम के अंदर। या इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इनका जो मॉडल नंबर है ये RX1D है। ये इनका जो फ्रीक्वेंसी है 220 वोल्ट 50 GHz फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इनका जो CFM है 2.8 CFM के काम करता है। इनका जो पावर का जो वाट है वो 180 वाट है। इनका जो RPM है 2880 RPM यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इनके अंदर यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वैक्यूम देखने के लिए मिलेगा, वो भी 15 माइक्रोन का। और इनका जो वेट है ये 10.2 kg वेट इनका है। तो अगर आप एक मैकेनिक है तो आपको ये वैक्यूम लेना ही चाहिए, यानी कि जब आप फील्ड में जब काम करने जाओगे तो आपको जो वैक्यूम का जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो आप सोच रहे होंगे ये वैक्यूम का रिव्यू देखने से मेरा क्या फ़ायदा है। तो आपका ये फ़ायदा है, अगर आपका घर में फ्रिज और रेफ्रिजरेटर है वो किसी कारण में कोई भी दिन अगर लीकेज की वजह से कोई और कुछ खराबी की वजह से आपका जो गैस है वो निकल जाता है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक मैकेनिक को कॉल करेंगे, वो मैकेनिक आएगा और वहाँ पे आपको सिर्फ उस टाइम आपको देखना है जब मैकेनिक आपका जब गैस चार्ज कर रहे हैं तो गैस चार्ज के दौरान मैं जो वैक्यूम आपको दिखाया है उस तरह का कोई डिवाइस वो लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उस तरह से कोई डिवाइस वो लेके आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आपका जो उनका गैस चार्ज करने के बाद आपका जो रेफ्रिजरेटर का जो और AC का जो कूलिंग परफॉर्मेंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर वो मैकेनिक आए और सेल्फ वैक्यूम करके चले जाए तो आपको नेक्स्ट में प्रॉब्लम क्या आएगा। अगर तो पहले बात तो ये है आपका 100% कूलिंग कभी नहीं मिलेगा, बिना वैक्यूम का 100% कूलिंग नहीं मिलता। और आखिरी बार आपको ये दिक्कत आएगा जैसे 3-4 महीने आपका गैस चार्ज के बाद हो जाएगा तो आपको एक प्रॉब्लम आएगा, आपका जो रेफ्रिजरेटर और AC जो था वहाँ पे आपको चोकिंग का प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आप ज़रूर ये बात का ध्यान रखिए, जब भी आपका घर में कोई रेफ्रिजरेटर और AC का जब भी कोई मैकेनिक गैस चार्ज करे कम से कम 25 से 30 मिनट वैक्यूम करे। अगर अच्छे से वैक्यूम करेगा तो गैस चार्ज करने के बाद आपका जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा कूलिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मैंने दो बात यहाँ पे आपको बताया था, CFM यहाँ पे 2.8 CFM का ये जो वैक्यूम था, ये CFM एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता CFM का जो फुल फॉर्म है वो है क्यूबिक फीट पर मिनट, यानी कि CFM एक यूनिट है किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए। अगर आप एक मैकेनिक है आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है CFM क्या होता है, यानी कि आपका वैक्यूम का जितना कैपेसिटी है कितना यार कंप्रेसर के अंदर से खींच रहा है, जितना यार वो खींच रहा है वो जो एक मेजरमेंट है उसी को CFM कहते हैं। और एक
चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करना है, वही वैक्यूम में लिखा होता है 150 माइक्रोन, हमारा जो वैक्यूम है ये सिर्फ 15 माइक्रोन का है। तो माइक्रोन क्या होता है ये अगर आपका जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये मान के चल सकते हैं आपका वैक्यूम मशीन में माइक्रोन जितना कम होगा आपका जो वैक्यूम का क्वालिटी है वो उतना अच्छा वैक्यूम का क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए यानी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए तो उसी से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए। नमस्ते, मिलते हो अगले वीडियो में।